जिले थी वहाँ तक पहुँच चुकी है सर्विस। और खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज किदर पेश करता हूँ हमारी बारे पाकिस्तान को। फ्लड के अंदर वो एयरफोर्स नेवी के जवान नजर आए या फिर ये रेस्क्यू वाले नजर आए जिन्होंने लोगों को उठाया वहाँ से जाके किश्ती में, और जगह जो उनके जो जहाँ चाहते थे वहाँ उनको सेव किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतना बेहतरीन काम इन्होंने किया है और सारी कौम का नाम आपने बुलंद किया है, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। और जो भी बाहर से लोग आते हैं चाहे इन्वेस्टर्स हों, वो जिक्र ही इस हमारे इनिशिएटिव का होता है। और मुझे ये हैरानगी है और मुझे ये दुख है, मैं याद कर रहा था कि ये वो जगह है जहाँ से हमने इसकी खुदा की, और यहाँ एक टूटा स्टैंड है, इन्होंने गलत काम करके ये सुभाष जी पहले रोज 90s में चीफ मिनिस्टर बने, तो इधर टूटी हुई गाड़ियाँ बस स्टैंड बना हुआ, उसको ख़त्म करके हमने यहाँ ये सर्विस शुरू की और बड़ी अल्लाह ने बरकत डाली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने 21 साल हुकूमत की है शरीफों ने और इनकी फैमिली, इनको तौफीक नहीं हुई एक भी प्रोजेक्ट इस तरह का मुझे दिखा दें तो मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। और इतनी दफा है जितनी दफा है ये शरीफ जितनी दफा है उतनी दफा इनका एक ही गुस्सा था, शुरू शुरू में तो बंद कर रहे थे, बंद कर नहीं सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, उन्होंने बंद नहीं करना दिया हाई कोर्ट का खास तौर पर। तो मैं इसलिए याद करा रहा हूँ कि इनको याद रखें, ये वही हैं, ये वही हैं जिन्होंने पहले भी खराबी की थी और हर दफ़ा ये भेस बदल के आ जाते हैं। कभी वो कोई आ जाता है कोई डॉलर बन के कि मैं डॉलर को, और जाती दफा सारे डॉलर ले जाते हैं। कहने का मकसद ये है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान साहब को कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले, और परवेज खटक साहब ने हमारा जो अदारा था इन्होंने जाकर इस्टेब्लिश किया। और इसी तरह अब सिंध वालों को भी याद आ गया जब से ये फ्लड आया, वहाँ टूटी हुई किश्तियाँ थी उनके पास और लोग बेचारे डूब रहे थे, तो फिर उनको याद आ गया। तो उनको भी यहाँ उनके बंदे भी ट्रेन होंगे, हिंदुस्तान में भी इंशाल्लाह ताला ये होगी और इस सारे पाकिस्तान में ये हम लेके जाएंगे। और फिर ये यहाँ हमारे मुल्क में इसकी रेकग्निशन भी हुई, बल्कि यूनाइटेड नेशन ने जो अवार्ड दिए हैं कि किसी और मुल्क के दायरे को नहीं मिलेगी उसे किसी और मुल्क के। और पहली सर्टिफिकेशन उन्होंने कहा है यूनाइटेड नेशन के जनूबी एशिया में सबसे बेहतरीन अदारा काम करने वाला ये आपका अदारा है। और इंडिया इतना बड़ा मुल्क है सिवाए वो हमले करने के और मिसाइल खरीदने के बेड़ा घर किया हुआ उन्होंने अपनी कौम का, लोगों का भी, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो नहायत ही काबिल अफसोस और शर्मनाक। आईजी साहब मेरे साथ बैठे, मैंने कहा कि आप खुद तो माशाल्लाह 9 किलोमीटर रोज दौड़ लगाते हैं लेकिन उस साथ पुलिस वाले जी मोटे ढिठाने वालों भी दौड़ाएगा। और मैं कह रहा था जवान साहब को कि ना ये फौज में गए ना ये रिटायर्ड फौजी हैं, काम सारा इन्होंने खड़ा कर दिया फौज के लेवल का। तो फौज वाले भी कहते हैं कि ये बेस्ट इदारा है। और डिसिप्लिन के लिहाज से आजी साहब डिसिप्लिन के लिहाज से बेहतरीन इदारा है और यहाँ कोई सिफारिश नहीं। मैंने वैसे पहले दिन बनाते वक्त कहा था बेशक मेरी भी ना माने जब उन्होंने कहीं नहीं मानते मैं। और इंशाल्लाह ताला मैंने इनको एक ही चीज़ सिखाई थी कि आपके लिए कोई चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेंट नहीं है या वजीर, आपके लिए मरीज इम्पोर्टेंट है।
जिसको आप दुखी इंसान की जो आप खिदमत करते हैं तो अजर तो अल्लाह ने देना, अजर हमें पहुंच जाता है। और ये मेरा हाल है, हमारी जो है इसी से शायद दुआएं लगी हैं मुझे, तो पता नहीं 22 साल बाद अल्लाह ताला ने एकदम आके बिठा दिए। ना बनाने वाले को पता था और ना बनने वाले को पता था, और लोग हैरान हैं। और ये जो फिरते हैं ना ड्रामा के, ये शहबाज शरीफ अहमदाबाद, इनको तो इनको सबसे ज़्यादा जो सदमा हुआ है वो पंजाब की हुकूमत, जो इमरान खान साहब की बनी है हुकूमत और मेरा, और इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे अभी तो, जब ये तो मैंने कसम खाई है किसी के खिलाफ कोई झूठा केस नहीं बना, सच्चा केस राना सनाउल्लाह का जब बनेगा, जिसमें सानिया माल्टाउन का हुआ है, वहाँ भी रेस्क्यू पहले पहुँची थी, मरीजों को उठाया था और मैं पहुँचा था सबसे पहले, और आखिर अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली है, वहाँ देर है अंधेर नहीं है। और आप देखेंगे सनाउल्लाह को उम्र कैद होनी है इंशाअल्लाह, और बाकी भी जितने लोग थे, और कितने वादा माफ हुआ बांध देंगे अगर उन्हें बचने तो, ताकि ये कर ना सके जो भी हुकूमत आए। तो असम्बली का भी रिकॉर्ड मेरे पास है, जिसमें उसने कहा कि ये जो विद स्टेट विद इन स्टेट बन रही थी, यार हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी थी कि आप ये बैरियर वो लगा लें, उन्होंने तो नहीं लगाया था, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। चले इंशाल्लाह ताला वो तो अपनी फेट को पहुँचेंगे। मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि जब आपका केस जो था रिस्क अलाउंस का, जब वो दूसरी चीज़ें आईं तो किसी ने कहा जी ये तो अरबों की बात है, सब ने कहा जी चुप कर गए, जितने भी अरब हैं इधर ही लगा दें। और ये सिर्फ लीडरशिप की क्वालिटी है रिजवान साहब और आप सबकी, और इस निज़ाम का जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारी बहुत मदद की, स्कॉटलैंड ने, इंग्लैंड ने और अमेरिका ने, ख़ास तौर पे जब ये जल्जला आया था तो हमें पूरी तरह उन्होंने ट्रेन किया। और अभी अमेरिकन एम्बेसडर साहब कल आए थे तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जी जो आप चाहते हैं ना हम इंशाल्लाह आपको देने के तैयार है, इस इदारे के लिए और रेस्क्यू के इदारे। तो ये भी आपका क्रेडिट है, और ये भी आपका क्रेडिट है, और जो दूसरी सूबों की हुकूमत है उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि खुदा के लिए खुद कुछ नहीं आप सोच सकते, खुद कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम जो बड़ी बनाई चीज़ है इसको बेहतर तरीके से बलूचिस्तान में लागू कर दें। मेरा दोस्त है वहाँ चीफ मिनिस्टर, उनको भी मैं कह रहा हूँ, और सिंध वाले फ्लड में शायद अब ज़्यादा उनको समझ आ जानी चाहिए कि इंशाल्लाह वहाँ वोट भी सारे अब इमरान खान साहब के होंगे जो भी होंगे। तो फरागत से पहले कम अज़ कम कुछ दुआएँ ले लें लोगों की, ये काम कर, और वहाँ सिर्फ ईदी को भी मैं राज तसीम पर, अगर ईदी भी ना वहाँ होता कराची तो फिर तो बुरा ही हाल था, और इनके देहातों का बुरा हाल है। सिंध के देहात में आप चले जाएं, दुनिया रो रही है, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप शुक्र करें अल्लाह ताला का कि पंजाब में एक टेलीफोन के ऊपर 11 मिनट में एम्बुलेंस, अब 4 मिनट में ये आप किसी गली में रह रहे हैं तो वहाँ आपका ये मोटरसाइकिल पहुँचेगा, जिसमें मैंने अभी देखा है एक एक चीज़ है और कोई कमी नहीं होती। अभी इसको हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि कस्बे भी काफ़ी हैं और शहर के इलाके भी काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि जहाँ जहाँ एम्बुलेंस के हमारे दफ्तर बने हुए हैं या वैगन खड़ी है वहाँ एक साथ मोटरसाइकिल भी साथ खड़ी हो, ताकि वो देखे क्या सिचुएशन है और फौरी फैसला करके तो फौरी चले जाएं। तो मैं आखिर में आप सब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने मेरे रेस्क्यूर्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, और ख़ास तौर पर उन शहीदों का जो आग बुझाते हुए अब शहीद हो गए थे,
और जो किसी को डूबने से बचाते शहीद हो गए थे कुएं में निकाल लें तो वहाँ से भी कुछ शहीद हो गए थे मुझे पता है। और जानवर भी जो किसी की वो बड़ी पूंजी होती है उसको भी निकाल लेते हैं जाके कुएं फंसा हो। मेरा ख्याल है जितना रिस्पांस इस इदारे ने कोविड में दिया है किसी ने नहीं। और लोग अपने घर का जनाजा छोड़ के चले जाते थे सारी बीमारी ना लगे, लेकिन सबसे पहले रेस्क्यू ने ये इदारा डेवलप किया। पहुंच जाते थे वहाँ डेड बॉडी को ले के और वो बाकायदा कब्रिस्तान तक दफना के फिर वापस आते। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम होता है। अब मैं एक और यकीन करें मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आने से पहले भी मैंने जोर की नमाज के बाद दो नफल शुक्राने के पड़े कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस तरह के और कई इदारे बनाऊँ, और ये जो इदारा बनाया मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसमें नई जिद्दत एक आ गई है ये मोटरसाइकिल की, और जो भी बेहतरी हो सके इंशाल्लाह इसको हम एक्सपेंड करेंगे। और इसका एक मैं यहाँ ऐलान करना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे कि जो लाइसेंसिंग है, मैंने आई जी साहब से बात की है, जो लाइसेंसिंग है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि वो लाइसेंस उनका सही नहीं होता, उनके पास वो ले आते हैं ट्रैक्टर ट्राली चलाते चलाते वो सड़क के ऊपर ले आते हैं और वहीं उनको वो लाइसेंस मिल जाता है दफ्तरों में जाके। वो हम ऐसा अदारा बनाएंगे जो दुबई में है और वहाँ से भी हम ट्रेनर लेके आ रहे हैं, वहाँ से क्या क्या और ला रहे हैं सिस्टम सिमुलेटर टाइप और ये सारी मैं लगा इसके ऊपर ब्रीफिंग करूँगा। और वो जो हमारा कार्ड होगा ना लाइसेंस का, वो इंशाल्लाह आपको सारे यूरोप में काम आएगा, दुबई में काम होएगा, सऊदी अरेबिया में काम आएगा, इसकी क्रेडिबिलिटी होगी। और यहाँ भी लोग जो हैं वो इंशाल्लाह ताला उसको जब बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि और मेरा ख्याल है 50% जो है वो कम हो जाएंगे एक्सीडेंट्स। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं इसी तरीके से एक एक्स्ट्रा लेन जो है वो एम्बुलेंस सर्विस के लिए बना दी जाए कि जो ही कोई पीछे से आवाज़ सुने, वैसे तो लेन इस्तेमाल होती रहेगी लेकिन वो लेन को फौरी खाली कर दिया ताकि मरीज का पहुँचना हॉस्पिटल में। एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत।